नमस्कार, इन खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ शिवांगी शुक्ला। भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले डॉक्टर मनकुंबु सम्बासिवन स्वामीनाथन का गुरुवार सुबह यानी आज निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली है। महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन कई दिनों से परेशानियों का सामना कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने सुबह लगभग 11:30 बजे अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह गए। वह 98 वर्ष के थे। स्वामीनाथन ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे किसानों को काफ़ी मदद मिली। भारत के कम आय वाले किसान ने अधिक उपज पैदा की। हरित क्रांति के जरिए एस स्वामीनाथन ने इतिहास रच दिया। उन्होंने खाने की कमी से जूझते हुए देश की किस्मत बदली थी। आज देश में खुशहाल कृषि की जो तस्वीरें हम आप सभी के सामने हैं, उसे लाने वाले वही थे एस स्वामीनाथन, जो दरअसल कृषि विज्ञानी थे। बता दें, एग्रीकल्चर फील्ड में सराहनीय काम करने के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया था। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की सफलता के लिए दो केंद्रीय मंत्री सी सुब्रमण्यम और जगजीवन राम के साथ मिलकर काम किया। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें केमिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के जरिए गेहूं और चावल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई और हरित क्रांति के कारण भारत अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते में आगे बढ़ गया। हरित क्रांति ने भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दिए, जिसके बाद स्वामीनाथन को 3 पद्म अवार्ड के साथ अन्य ढेरों अवार्ड से नवाजा गया। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने तिरुवनंतपुरम के महाराजा कॉलेज से जूलॉजी और कोयम्बटूर कृषि महाविद्यालय से कृषि विज्ञान में BSc की डिग्री हासिल की। उन्होंने चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना साल 1988 में की, जिसके वो संस्थापक अध्यक्ष, एमेरिट्स अध्यक्ष और मुख्य संरक्षक थे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ इन खबर पर बने रहें।